दोस्तों बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। किसी की गाड़ी मार्केट में कूलिंग नहीं कर रही है, किसी की हाईवे पे कूलिंग नहीं कर पा रही है, किसी का केबिन फिल्टर नहीं है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। देखते रहिए इस वीडियो को आखिरी तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रीत, आप देख रहे हैं द पावर मशीन। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और बिना एसी के कार चलाना तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। अब सबसे पहली चीज, आप लोगों में से कुछ लोगों का ये कहना है कि गाड़ी मार्केट में कूलिंग नहीं करती है लेकिन हाईवे पे जाओ तो कूलिंग करती है, कम स्पीड में कूलिंग नहीं करती लेकिन ज्यादा स्पीड में कूलिंग करती है। किसी का कहना है कि हाईवे पे कंप्रेसर ट्रिप हो जा रहा है, हाईवे पे कूलिंग नहीं कर पा रही है लेकिन हम सिटी में चला रहे हैं, आइडल रख रहे हैं गाड़ी को तो ठंडा कर रही है। किसी का कहना है कि दिन में गाड़ी ठंडा नहीं कर रही है लेकिन रात में ठंडा कर रही है। दिन में ठंडा न करने का एक रीजन ये भी है कि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और आपकी जो कॉइल्स हैं जिसके अंदर गैस घूमती है, कंप्रेसर सेक्शन है, सब बोनट के नीचे होता है, तो बहुत ज्यादा ठंडा करना भी गाड़ी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि हम तो अंदर बैठे हैं लेकिन बाकी सारी चीजें, कंप्रेसर और वो सब चीजें जो है, ट्यूबिंग है, वो सारी बाहर होती है, वो भी इंजन के साथ में होती है, इंजन की गर्मी भी कंप्रेसर को मिल रही है, तो वो थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा क्योंकि एम्बियंट इतना ज्यादा गर्म है। तो ये तो बात हो गई कि दिन में गाड़ी कम कूल कर रही है, रात को ज्यादा ठंडा करती है, तो ये एक चीज हो गई। अब आप सबसे पहले ये समझिए कि एसी के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। एसी के छह मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है कंप्रेसर, दूसरा होता है कंडेंसर, तीसरा होता है इवेपोरेटर, चौथा होता है उसकी ट्यूबिंग्स, पांचवा होता है उसका ब्लोअर जो कि जिसे हम फैन बोलते हैं, और छठा होता है उसकी गैस। तो ये छह मेन पार्ट्स होते हैं एक एयर कंडीशनर के। अब एसी काम कैसे करता है इसको समझिए। सबसे पहले होता यह है कि जो आपका कंप्रेसर है वो गैस को कंप्रेस करता है। गैस कंप्रेस होने के बाद में जाती है इवेपोरेटर सेक्शन में। इवेपोरेटर सेक्शन के पीछे लगा होता है ब्लोअर। इवेपोरेटर और ब्लोअर दोनों ही आपके गाड़ी के कैबिन के अंदर होते हैं। तो होता यह है कि मान लीजिए कि ये इवेपोरेटर लगा है, इसके पीछे यहाँ पे ब्लोअर लगा हुआ है। अब होता यह है कि ब्लोअर गोल गोल घूमता है और केबिन की हवा को ऐसे सर्कुलेट करता है और जो ये हवा खींची उसने, इस हवा को इवेपोरेटर से टकराते हुए वो वापस भेजता है। तो जो गैस कंप्रेस होके ठंडी होके इवेपोरेटर में आई, ब्लोअर ने गर्म हवा को घुमाया और इस ठंडी हवा से टकराते हुए वापस भेजा, तो आपको ठंडी हवा मिलती है। अब जो आपका ब्लोअर गर्म हवा खींच रहा है वो एक फिल्टर के थ्रू खींचता है, उसे हम एसी फिल्टर या कैबिन फिल्टर बोलते हैं। एसी फिल्टर या कैबिन फिल्टर को चेंज करने का तरीका या उसको साफ करने के तरीके के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। अब होता यह है कि ये हवा ठंडी होके वापस केबिन में आई और यही प्रोसेस रिपीट होता रहता है, तो एक टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाता है केबिन के अंदर का। अब क्या होता है कि ये जो ठंडी गैस है इवेपोरेटर में, ये गर्म होना शुरू हो जाती है क्योंकि हमारा जो केबिन के अंदर की जो हवा है वो गर्म है, तो वो इससे टकराती है तो ठंडक तो इससे ले लेती है लेकिन इसको जरूर गर्म कर देती है। तो होता ये है कि ये जो गैस जिसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, ये वापस घूम के जाती है आपके कंडेंसर में जो लगा होता है आपके बम्पर के जस्ट अंदर। एक रेडिएटर होता है जो कि इंजन को कूलिंग प्रोवाइड करता है, उसके आगे एक छोटा सा जाली जैसा पार्ट होता है उसको हम कंडेंसर बोलते हैं, वो लगा होता है आगे, उसमें जाती वहां जाती है वो गैस। कंडेंसर में जाने के बाद गैस जो होती है फैन हवा फेंकता है, उसको ठंडा करने की कोशिश करता है और जितना ठंडा हो जाती है वो वहां से ठंडा होने के बाद वापस कंप्रेसर में जाती है। कंप्रेसर फिर उस गैस को कंप्रेस करता है और फिर उसको इवेपोरेटर में भेज देता है। तो ये तरीका होता है एसी के काम करने का। अब बात है कि किसी की गाड़ी मार्केट में ठंडा कर रही है, किसी की गाड़ी हाईवे पे ठंडा कर रही है, कहीं ठंडा हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि आप चेक करिए कि आपकी गाड़ी के जो एसी फिल्टर है या कैबिन फिल्टर है वो साफ है कि नहीं है, वरना सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगी और आपकी गाड़ी ठंडा नहीं करेगी। दूसरी चीज, अगर आपने गाड़ी सेकेंड हैंड खरीदी है तो उसमें जरूरी नहीं है कि एसी फिल्टर या कैबिन फिल्टर निकले, क्योंकि बहुत सारे लापरवाह लोग होते हैं जो अपनी गाड़ी को बिना फिल्टर के भी चला देते हैं। तो आपको करना यह है कि किसी अच्छे एसी मैकेनिक के पास जाइए और उससे बोलिए कि कूलिंग कॉइल या इवेपोरेटर की सफाई कर दे, तो और कंडेंसर की भी सफाई करा लीजिए। ये कराने से जो डस्ट उसमें जमा हो गई है वो डस्ट निकल जाएगी, तो आपको कूलिंग में इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। अब अगर कूलिंग कॉइल या इवेपोरेटर की सफाई कराने के बाद, कंडेंसर की सफाई कराने के बाद, फिल्टर लगाने के बाद भी आपको कूलिंग नहीं मिल रही है, तो आप जाके गैस डलवाइए। लेकिन गैस डलवाने के लिए ऐसे मैकेनिक के पास या ऐसे एसी सर्विसमैन के पास मत जाइए जो सिर्फ बॉम्ब सिलेंडर लगाएगा आपकी गाड़ी में, ट्यूबिंग लगाएगा, बॉम्ब सिलेंडर लगाएगा
और उसमें गैस डाल देगा। नहीं, ऐसे के पास मत जाइए, ऐसे के ऐसे मैकेनिक के पास जाइए या ऐसे सर्विस वाले के पास जाइए जिसके पास में प्रॉपर वैक्यूम करने वाली मशीन हो। एक मशीन आती है जिसके होजेस होते हैं, वो एक लो प्रेशर लाइन में लगता है, एक हाई प्रेशर लाइन में लगता है, और जब उस मशीन को स्टार्ट करते हैं तो वो मशीन वैक्यूम जनरेट करती है और आपकी पूरी ट्यूबिंग में से, पूरी लाइन में से ये देखती है कि कहीं पे लीकेज तो नहीं है। तो पहले आप उस लीकेज को टेस्ट कराइए, आपकी गाड़ी में कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है। पता चला आपने आज गैस डलवाई, हफ्ते 10 दिन बाद वो गैस लीक हो गई, फिर आप जाके गैस डलवा रहे हैं, तो ये प्रोसीजर रिपीट होता रहेगा। वो मशीन कैसी होती है, मेरे घर के पास में एक वर्कशॉप है, हम वहां चलते हैं और वो मशीन मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसी होती है। तो ये है वो मशीन, और ये वुर्थ की मशीन है। इसमें देखिए, ये रेड कलर का टेम्परेचर मीटर दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है, और ये इसका डिस्प्ले है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ये ऑटोमेटिक तरीके से काम कर रही है। ये ब्लू कलर का और रेड कलर का प्रेशर मीटर है, ये दिखा रहा है कि कहीं गाड़ी का प्रेशर लूज तो नहीं हो रहा है। ये जो ब्लू और रेड कलर के पाइप लगे होते हैं, ये लगे होते हैं लो प्रेशर और हाई प्रेशर लाइन में, और वो जो प्रेशर मीटर है ये वहां पे जाके प्रेशर बताते हैं कि लाइन में प्रेशर कितना है, और ये मशीन चेक करती है कि अभी प्रेशर ड्रॉप तो नहीं हो रहा है। अगर प्रेशर ड्रॉप होता है इसका मतलब लाइन में कहीं पे लीकेज है। आ गए हैं हम वापस, और उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी मैंने आपको दी ये समझ में आई होगी, ये आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले। अगर आपके कुछ सुझाव है या कुछ क्वेश्चन अभी भी है, कोई क्वेरी है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगले वीडियो तक के लिए जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।